मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली, मुझे रिजाइन करना है। सनम आराम से, क्या कर रही हो तुम? नहीं, अब मैं फेस नहीं कर सकती मिस्टर जान को। मैंने कितने झूठ बोले हैं, अब मैं उन्हें सच बताऊंगी। तुम जरा शांत रहोगी? अब तुम सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, इन फालतू बातों को छोड़ दो, समझ गए? हम लोग एक प्लान बनाते हैं मिलकर, जो दोनों के लिए ठीक रहेगा। आप और मैं, अब हम कोई प्लान बनाएंगे? आप मजाक तो नहीं कर रहे? सनम देखो, अभी छोड़कर मत जाओ, वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। मुझे थोड़ा सोचने तो दो, फिर भले ही तुम रिजाइन कर देना, मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। भरोसा करो मुझ पर, प्लीज। मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं कर सकता। मैं रेजिग्नेशन देकर मिस्टर जान को सब सच बता दूंगी, समझे आप? मैं समझ रहा हूँ सनम, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। बस दो दिन और मैनेज कर लो, फिर तुम रिजाइन कर देना, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। गलापागोस जाओ और अपने सपने पूरे करो। 5 लाख का चेक जिंदगी बनाने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने जो मेरे लिए किया ये उसके लिए, और जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, समझे आप? सनम देखो, मुझे माफ कर दो, बस दो दिन और रुक जाओ। देखो मेरे लिए मत रुको, लेकिन जान के लिए रुक जाओ, मैं कह रहा हूं ना। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, आइएगा। ओ, कैसी हैं आप? मेयोकी भाई, आ जाओ आ जाओ। मुझे तो लगा कि आओगी नहीं, भूख लगी है। क्या खुशबू है, क्या बना है? बटर राइस, वाह। ये क्या है, मीट बॉल्स के साथ? अरे यार, मैं खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है मेयोकी भाई। ये क्या है, ब्रोकली? दिख नहीं रहा, ब्रोकली है, वो भी उबली हुई। मीटबॉल्स का क्या हुआ? वो मैंने ख्याल बदल दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस पेट से छुटकारा दिलाने के लिए। चलो अब खा लो इसे, खा लो, इससे पेट कम हो जाएगा। अब क्या हो गया इसे? कामिल, ये लो ब्रोकलीज, इसे खाओ, ऐश करो, जाओ, तुम भी याद रखोगे। बैठ जाओ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? तुम्हारी बातें सुनने के लिए। आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। सनम ने वो रिंग पहनी थी जो तुमने मेरे लिए लाई थी, मैंने उन दोनों को बहुत करीब देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहती थी एमरे। आई एम रियली वेरी सॉरी। आइलैंड और बदला, बदला और आइलैंड, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि तुम इतनी मीन हो। ये सब कैसे हुआ और मैं इतना गंदा इंसान कैसे बन गया? एमरे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम, भरोसा करो। मेरे डैड ने तुम्हें निकाल कर बहुत गलत किया। हम शादी करने वाले थे लेकिन हमने नहीं की, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को खोने का बहुत डर था और मेरी कंपनी को भी। मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं कहा कि मैं आइलैंड के साथ खड़ा हूँ, मैं ये मानता हूँ। कुछ जॉब्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था, मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम और तुम्हारी एम्बिशन, तुम कभी सैटिस्फाइड ही नहीं हुए। और चाहिए, और चाहिए, और मैं भी एक गंदा इंसान बन गया जिसने अपनी फैमिली और भाई को धोखा दिया। तुम्हारे चक्कर में मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया। आइलैन, तुमने मुझे, मेरे भाई को खत्म कर दिया। एमरे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, हम फिर से एक हो जाएंगे। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मैं तुम्हें फिर से नहीं मिलना चाहता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एमरे प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे भाई को भी नहीं। प्लीज ट्रस्ट मी। सनम है ना सनम, वो सब कुछ जानती है। वो मुझे कह रही है कि वो भाई को सब कुछ बता देगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन रुकने के लिए कहा है,
तुम्हें पता है वो तो जॉब भी छोड़कर जा रही थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मुझे लगता है कि वो जान से प्यार करती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पता है एमरे, कभी कभी आदमी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। तुमने नोटिस नहीं किया होगा कि वो जान को कैसे प्यार भरी नजरों से देखती है। लेकिन जान तो पलिन से सनम को तो देखता भी नहीं। हम जान की बात नहीं कर रहे, मैंने कहा कि वो जान से प्यार करती है।